वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया पहला टेस्ट में आज दूसरा दिन रविंद्र जाडेजा के बल्ला ने किया कमाल। ईशांत शर्मा की गेंदबाजी हुई लाजवाब। पंजा मार लिया इस गेंदबाज ने। दूसरे दिन के खेल के बारे में करते हैं बातचीत क्रिकेट वाणी पे। स्वागत है सारे दर्शकों का। और इस दो दिन की खेल आप जब भी उठा के देखते हैं इंडिया टीम ने दबदबा बना के रखा हुआ है, पकड़ बना के रखा हुआ है। यहां से जब भी इस मैच को कोई जीत सकता है वो भारत है, क्योंकि 108 रन पीछे है वेस्ट इंडीज टीम और दो विकेट चाहिए भारत को पहला पारी समाप्ति करने के लिए। लेकिन आप जब भी पहले दिन की खेल को उठा के देखते हैं तो फिर 203/6 था भारत, हाथ पे था 4 विकेट वहां से दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ। ऋषभ पंत की विकेट बहुत जल्दी गवा दिया भारत ने और उस किमा रोज की वो गेंद थी और किमा रोज ने प्रभावित किए। अब जब भी वेस्ट इंडीज क्रिकेट के ऊपर रुख करते हैं वहां से कोई खिलाड़ी उभर कर आई है, लड़ाई की है, वो किमा रोज है, 5 विकेट इनके नाम पे। और उसके बाद जो साझेदारी हुआ रविंद्र जाडेजा और ईशांत शर्मा के बीच एक कमाल की साझेदारी। रविंद्र जाडेजा की बात करें एक जुझारू पारी, एक संभली हुई पारी, क्योंकि आसान नहीं रहता है पर टेलेंडर के साथ रन बनाना, टीम को आगे लेके जाना, बोलना तो बहुत आसान रहता है लेकिन करने वाले को पता है कितना मुश्किल होता है। एक छोर से एक एंड को पकड़ के रखना और रन बनाना और वहां पे रन बनाए, 58 रन बनाए और वहां पे तलवार घुमा और पूरा भारत उस तलवार उस सेलिब्रेशन पे झुमा। बहुत मजे आता है रविंद्र जाडेजा की बल्लेबाजी देखते हुए। और जब भी रन बनाते हैं और भी इनका अंदाज कुछ बदल जाता है। अब जब ईशांत शर्मा की पारी देखे 66 गेंदे 19 रन और एक महत्वपूर्ण रन ये था, क्योंकि आसान नहीं रहता है आप टेलेंडर होके आप 19-20 रन के कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं आप अपनी टीम को, तो एक बड़ा प्लस पॉइंट भारतीय टीम के लिए और ये एक खास बनाता है भारतीय टीम को। उसके बाद अब देखे तो फिर जसप्रीत बुमराह के साथ कुछ रन जोड़े रविंद्र जाडेजा ने और ये खास बनाता है और अंतिम समय तक भारतीय टीम लड़ता है, वो जनून दिखाता है अपने खिलाड़ियों पे और उसको देख के बहुत मजा आता है। 297 जो स्कोर था और ये बहुत बढ़िया स्कोर था इससे टेस्ट मैच के लिहाज से आप देखें। तो फिर शुरुआत हुई बल्लेबाजी गेंदबाजी की बारी आई तो फिर मेजेस्टिक शमी मोहम्मद शमी, इन्होंने की कमाल विकेट की सिलसिला इन्होंने शुरू किया, आगे डाला गेंद को। कमरेल ने एक अच्छी शुरुआत दिलाए थे, 30-35 रन का एक अच्छी शुरुआत दिलाए थे, लेकिन वेस्ट इंडीज टीम के साथ क्या दिक्कत रहता है कि इनका जो बैटिंग लाइनअप है किस हिसाब से इनके कप्तान चलाते हैं, क्योंकि मेरे समझ से परे हैं। क्योंकि आप जब ये बल्लेबाजी देखें तो फिर 7 नंबर पे हेटमेयर आते हैं, 8वें नंबर पर जेसन होल्डर आते हैं जिनके नाम पे दोहरा शतक है वो फिर इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन जेसन होल्डर को ऊपर आना पड़ेगा। ब्रूस, अब ब्रूस की बात करें एक युवा प्लेयर है, आप जब उनके ऊपर दबाव डालेंगे आप कप्तान होके जब ऊपर नहीं आएंगे तो फिर टीम फंस जाएगी मझधार पे, तो फिर जेसन होल्डर को सोच विचार करना पड़ेगा। और थोड़ा सा अनुभव की कमी है, वो थोड़ा टेस्ट मैच की स्किल थोड़ा कमी नजर आता है वेस्ट इंडीज की टीम पे आप जब भी रुख करते हैं। लेकिन आप जब गेंदबाजी की बात करें तो फिर क्रिकेट वाणी हाईलाइट प्लेयर इस दूसरे दिन के खेल पे ईशांत शर्मा, 5 विकेट इनके नाम पे। और आप जब इनकी कैरियर को उठा के देखते हैं 91 इन्होंने टेस्ट मैच खेले और फलत रूप में इन्होंने 3 कैच पकड़े हैं और कल जब भी आप देखे दोनों कैच इसी मैच पे आ गया, दूसरे दिन पे आ गया। पहला जो कैच था वो थोड़ा सा टॉप था, उसके बाद जो कैच पकड़ा उन्होंने हेटमेयर का वो कैच उससे भी थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि लंबे कद के गेंदबाज को आप जब भी बोलते हैं कि आप नीचे झुक के कैच पकड़े थोड़ा सा मुश्किल रहती है, लेकिन कैच पकड़ा। और एक के जो मेरे जहन पे आता है जहां पे सेटअप किया रोस्टेन चेस ने अच्छी बल्लेबाजी की, थोड़ा सा धीरज दिखाया, लेकिन हर बल्लेबाज वहां पे सेट होके अपने विकेट गवा रहा था और वहां पे कप्तानी भी अच्छा हुई। विराट कोहली का तारीफ करना पड़ेगा जिस हिसाब से केएल राहुल को शॉर्ट टर्म मिडिल विकेट पे ला के रखे थे और वहां पे रोस्टेन चेस उस गेंद को रोक नहीं पाए और वहां पे वो कैच पकड़ा गया। अच्छी प्लान के तहत इस गेंदबाजी हुई विराट कोहली के कप्तानशिप पे। और ओवरऑल आप देखें जसप्रीत बुमराह इस गेंदबाजी यूनिट पे इनके नाम पे 1 विकेट, लेकिन बहुत कंजूसी गेंदबाजी की और ये जब भी आते हैं एक छोर पकड़ कर रखते हैं और दूसरे दो छोर पे बल्लेबाजी गलती करता है रविंद्र जाडेजा ने। थोड़ा सा एक्शन थोड़ा सा महंगे साबित हुए, लेकिन 1 विकेट इनके नाम पे, क्योंकि एक ही स्पिनर है हनुमा बिहारी। आप देखें इतना कुछ इनका प्रभाव इस मैच पे दिखा नहीं, लेकिन ओवरऑल आप देखें इंडिया टीम यहां से जब 60-70 रन की 80 रन तक भी लीड बचा लेता है फिर दूसरे पारी पे कहीं 200-250 बना लेता है तो फिर इंडिया टीम इस मैच को जीत लाए और टेस्ट चैंपियनशिप का आदाज जीत के साथ करेगा, ये रहेगा उम्मीद।